हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का वीडियो बनाया जा रहा है। मॉडल पेपर है प्लस सॉल्व के साथ। 2012 का मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक। क्लास चौथी है, रिवीजन आपकी स्टार्ट हो गए हैं। तो बिना किसी तरीके आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि कुछ लोग कहते हैं भाई ये मॉडल पेपर अपलोड करते हो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। तो भाई सुन लें, उससे ये बेनिफिट होगा कि देखो कई साल से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि अगर इस मॉडल पेपर को हम लोग जब पूरा तैयार कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन इसमें से बचेंगे। अब पेपर होने के बाद ही पता चलेगा कितने क्वेश्चन यहाँ से हमें फंस गए, ठीक। लेकिन दोस्त यहाँ से ना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कई सालों से आप देख सकते हो कि इस तरह के। और इस पर यार देखो मैं दो ही तीन दिन में करता हूँ, तो अगर एक दिन में पाँच पाँच सवाल करोगे तो भी दो दिन में आराम से इस पेपर को पूरी तरीके से आप अपने सेल्फ सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो यहाँ से देख सकते हो, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो टाइम लगेगा मेरे को भी, लेकिन देखते हैं आगे एक तारीख से अगर मेरे को टाइम मिलता है तो इसको भी हम कुछ सॉल्व करके प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। तो चलो यार आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस अब हम देखते हैं। देखिए 2012 का मॉडल पेपर आपके सामने, ढाई घंटे का समय, 50 नंबर का होगा, 17 लाने हैं। और नोट से यही लिखे हैं कि भाई अपना हिंदी इंग्लिश वाला मिलान कर लेना, दिक्कत होगी, और पेज और फोन का यूज नहीं करना है। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर एक से। यहाँ पे फर्स्ट ईयर नहीं है, सेकंड ईयर है, तो यहाँ पे पांच नंबर, दो नंबर से क्वेश्चन स्टार्टिंग ही होते हैं। दो नंबर में पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से छह दिए जाएंगे, पांच ही करना होगा। तो देख लो पहला तो सिंपल तरीके से आता है, यहाँ पे बस करना क्या है कि जो दिया गया इसमें दो से गुणा कर दो, अपना रिजल्ट ले लो, दो नंबर मिल गए, ठीक। और ये सबको आता ऑलमोस्ट। और देखो एक आप भी होता है, आप भी में जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जो आपका आप भी में मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो क्या होता है यहाँ पे कि अगर जिसका गुणा करेंगे सभी के पास चला जाता है, ठीक है। ये दो है सबके पास वो चला जाता है। अगला टॉपिक आपका है d2i/dx²-k²y=0, कोटि और घात बताएं। देखिए दोस्तों कोटि, ठीक, कोटि क्या होती है यानी रैंक और पावर क्या होती है, जितनी बार आप अवकलन करेंगे वो उसकी रैंक को दर्शाती है यानी कोटि को, और इसके पावर जितना रहेगा उसके घात को। इसका देखिए दो बार अवकलन किया गया तो कोटि दो हो गई, घात एक हो गया। चलिए ये देखिए किसका x²/a²+y²/b² की पहचान करें, ये किसका पृष्ठ होता है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है गाइस। दीर्घवृत्त पर वाला सबका एक एक अपना समीकरण होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अगला होता है बीटा गामा को आपको परिभाषित करना है, ठीक। ये बीटा गामा फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, बीटा गामा फंक्शन को आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना, परिभाषित सिर्फ करना है हमको, तो क्या करना होता है यहाँ पे देखिए, उत्तर निश्चित समाकलन 0 to 1 x^m-1 और 1 x^n-1 dx, ठीक, जहाँ यम 0 से 0 है। तो देखिएगा गाइस क्या किया गया कि यहाँ पे 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और यन भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आयलर समाकलन के नाम से भी इसको प्रसिद्ध किया गया, जो बीटा गामा फंक्शन का सूत्र है। यम यन को बीटा फलन कहते हैं, यम यन को इस यम यन को, तथा सापेक्ष में बीटा यम यन को निरूपित करते हैं। तो अगर देखो दिखाना तो ऐसे, और इस पर हम सवाल भी लाएंगे, अभी देखते हैं टाइम अगर हमें मिलता है तो हम इस पर कराएंगे, लेकिन पहले हम वो चैप्टर को कवर करेंगे जो पेपर में ज़्यादा आते हैं और जहाँ से नंबर फंस जाते हैं ज़्यादा, ठीक। तो देखो बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 x^m-1 1 x^n-1 dx, 0 से बड़ा होना चाहिए और इधर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ फार्मूला होता है, इस फार्मूले को नोट रखिएगा, क्योंकि बीटा गामा फंक्शन अगर सिंपल वाला आता है तो कुछ इसी फार्मूले पे हो जाता है। अब देखिए प्रायिकता से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रायिकता को मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए एक पासे में, ठीक, एक पासे को फेंक में यानी एक बार फेंके 6 मिलने की प्रायिकता क्या है। देखिए उसमें 1 से 6 तक ही उसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं, अगर एक बार मैं उसको फेंकूंगा तो हमारा देखिए पूरे तो टोटल कितने 6 है उसके फलन फलक होते हैं, तो लेकिन उसमें से आने कितने हैं, एक आना है, तो एक सिर्फ एक ही पर 6 आ सकता है, मतलब एक ही का मतलब एक फलक पर उसके एक ही पर उस पर 6 आ सकता है। तो इस कारण से मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो यही है भाई, तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 और एक इधर साइड का 6 हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे 6 लिखे हैं तो मैं इसको एक बार ऐसे फेंकूंगा तो एक ही बार तो आ सकता है ना 6, तो वही चीज़ कह रहा है उसको यन्नी से दिखाते हैं, जो आने की प्रायिकता होती है टोटल ऑफ नंबर कितनी होती है प्रॉबिलिटी, वो 6। तो यानी देखो ये फार्मूला होता है 6 आने की प्रायिकता यन्नी अपन एनएस होता है, यानी 1/6 हो जाएगा, यही उत्तर जाएगा। और छोटा क्वेश्चन इसी में आते हैं। तो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, ऑलमोस्ट अभी तक 3, 2, 4 और 1, 5 क्वेश्चन शायद आपने कर लिए। तो देख सकते हो गाइस 5 नंबर, और 2012 का अगर बात करें मॉडल पेपर की तो बहुत सिंपल वाला दे दिया था यहाँ तक। अगर मान लो कि ए वाला बीटा गामा फंक्शन आपको नहीं इस समय आता रहा होगा तो भी आप ये आप भी वाला कर सकते हो। कहा क्या गया है, इसका जो आप भी दिया गया इसका परिवर्त आप भी परिवृत्त करके दिया, लेकिन परिवर्त रहेगा, ठीक, परिवर्त आप भी ज्ञात करना है। अब देखिए सिमेट्रिकल इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ए आई कॉम्प्लेक्स में दूसरा हो जाता नाम, तो यहाँ पे क्या करते हैं इसके संयुग्मी से संयुग्मी परिवर्त इसको चेंज कर देते हैं। देखिएगा
क्या करते हैं, जहाँ माइनस रहेगा सिर्फ वहाँ प्लस करते हैं, देख सकते हो। बस इसका क्या परिवर्त आप भी करने के लिए पावर टी करेंगे, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस से उसके संयुग्मी से रिप्लेस कर लेंगे। तो पंक्तियों को स्तंभों में कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, या तो वो चीज़ कहो, वो मतलब जो हम बताएं कि माइनस प्लस से कर दोगे तो भी बात वही आएगी, ठीक ना। तो इस तरीके से परिवर्त आप भी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला हम दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 की शेयर करो यार। और देखो ये क्वेश्चन शायद हमने कराया भी है और इंपॉर्टेंट टाइप्स का भी लगता है मेरे को। तो देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा जो क्वेश्चन है दो खंड को करने हैं, तीन दिया रहेगा, दो पाँच ही पाँच नंबर का होगा तो दो ही करना है भाई, तो 10 नंबर मिल जाएंगे। यूलर थियरम का उपयोग करना है। तो देखो यार यूलर थियरम कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से करना क्या है, जो यू दिया है ना, देखिए अगर हम बात करें कि यह देखो यूलर थियरम अगर बोल दिया, यूलर थियरम के लिए सबसे पहले समघाती चेक करेंगे यह कितने घात में समघात है। बिना समघात के चेक किए आप यूलर थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक, इसीलिए यूलर थ्योरम बनी भी है। चलिए ना हम बताते हैं आपको, देखिए क्या है, अगर इसमें से यक्स क्यूब को कॉमन कर लोगे तो अपान में 5y/x बच जाएगा, जितने अंदर बचेंगे उससे हमसे नहीं मतलब, हमें यक्स पावर 3 देखना है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यह कितने घात में, यक्स पावर 3 जितना घात होगा अगर बाहर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 घात में समघात होगा, यानी यक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल जेड के साथ, और आना क्या है, एन यू फार्मूला होता है, लेकिन एन का मान क्या है 3 है तो 3u हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो u दिया है ना उसका एक बार u के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक, फिर उसके बाद x से गुणा कर लेना, इक्वेशन एक बना लेना, ठीक उसी तरीके से इसी u का जो आपका था y के सापेक्ष करना और y से गुणा कर लेना और इक्वेशन अगला बना लेना, फिर साथ में z के साथ करना और z का गुणा करके इक्वेशन थर्ड बना लेना, बस इतनी चीज़ें कर लेनी होती है। इसके बाद गाइस आपको क्या करने, देख सकते हो ये चीज़ सबको दिख रही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो देखो यार जब यहाँ पे जोड़ दोगे तो कुछ इस तरह मिलेगा और जो अंदर बचेगा वो चीज़ होगी। देख लो सब में 3 है कि नहीं भाई, बिल्कुल है, तो सबको कॉमन कर लो, जो चीज़ अंदर बची देख लो, ये पूरा यू ही दिख रहा है, यही यू था और ये देखो यू यहाँ पे आ गया इस तरह, तो बस वही लिख दोगे यार, बिल्कुल सिंपल। और ये बता दूँ नॉर्मल वाला क्वेश्चन है गाइस, आपको आना चाहिए, अगर इस टाइप का छोटा क्वेश्चन आ चाहिए तो अनपढ़ भी कर ले जाएंगे भाई, सिर्फ उसको बता दो ऐसे ऐसे करना है, ठीक, इसमें क्या करना, सिर्फ थोड़ा सा अवकलन आना चाहिए, यक्स का आना चाहिए, वाई का आना चाहिए, जब इतना आता है भाई तो सब कुछ कर ही सकते हो, ठीक। चलिए हम आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखो व्युत्क्रम अभ्यूह, ये भी कितना धांसू क्वेश्चन है, 12 नंबर के इधर से आप भी आ जाते हैं, जिसको पढ़ लोगे तो कम से कम 12 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर अच्छे से कर दिया। तो आप भी इक्वल कितना दिया, कह रहा है व्युत्क्रम ज्ञात करो, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ए को मतलब अभ्यूह फॉर्म में लिखे रहते हैं, फिर इसी को क्या करते हैं एक बार सारणिक निकालते हैं, ना कि हम मापांक निकालते हैं, इसका ध्यान रहे, हम सारणिक इसका निकालते हैं, हल करते हैं, एक रिजल्ट आता है। अगर वह मापांक मतलब ये जो सारणिक निकालें अगर ये 0 आ गई तो हमारा जो होगा ना ए इनवर्स का मान संभव नहीं है, अगर ए 0 नहीं आया तो संभव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 आप निकाल लेंगे। और ये निकालना दोस्तों हमने इस पर विस्तार से वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने पूरा अभ्यूह का एक एक क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं गाइस, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे इन सभी मानों से बनाते हैं ADJA, ठीक, ADJA। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए ADJA करके इन्होंने दे दिया है, जिस कारण से ये पता नहीं हो पाता कि इनका क्या कंफर्म है। तो इसलिए इसको क्या आप मानेंगे, इसको ADJA ना मान के आप मानिए B मान लीजिए, और इसको मान लीजिए B का डैश इज इक्वल टू ADJA, ठीक। अब बिल्कुल सही है, जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली हम लोग यही यूज़ करते हैं, ना कि हम दोनों को ADJA कहते हैं, लेकिन खासकर इन्होंने डैश लगा रखा, डैश का मतलब परिवर्त होता है, तो परिवर्त में यहाँ पे चेंज करने को जब कहा जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें हो जाएंगी, तो यहाँ ADJA डैश, तो इसका परिवर्त निकाल लिया। अब परिवर्त निकाल लिया तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है ADJA यानी बी डैश अपान में ए, तो बी डैश यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ ADJA ही लिखेंगे, लेकिन इसको बी मानते हैं, इसको बी डैश मानते हैं, क्योंकि इसका परिवर्त किया गया। अब क्या करते हैं, बस 4 से अगर अंदर कट रहा है तो कट दो, नहीं तो ऐसे रख दो, उत्तर हो जाएंगे भाई, अब आपको कुछ नहीं करने हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, एक अगला क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन शायद है, ये पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया है, अतः इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। इस पर हमने वीडियो भी बना दी, हालांकि काफ़ी लोगों से मैंने कहा कि भाई पढ़ लो वहाँ से DSL के चैनल से, लेकिन नहीं पढ़े, तो हमने इस पर वीडियो बना दी और उनकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसके रख दी है, आप देख लो, कल ही वीडियो अपलोड हुई है तो उसमें जाके देख लो, उन्होंने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझाया है, ठीक। लेकिन हम अगर टाइम मिले तो हम इस पर भी अच्छे से कमांड कर लिए तो हम इस पर भी वीडियोस लाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, 6 पासों को एक साथ 729 बार उछाला गया, आप कितनी बार आशा करेंगे कि 5 या 6 अंक आने से कम से कम, ठीक, कम से कम 3 पासों पर और अधिक से अधिक, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है दोस्त, अगर कम से कम कर दिया ना तो हम क्या करेंगे जानते हैं, हम देखिए कम से कम
तीन से ऊपर आए तो तीन से ऊपर हम चलेंगे, लेकिन उससे कम की बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एक पासे पर पांच से छाने पड़े, एक पासे के लिए निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, एक बटे छः, एक बटे छः यानी दो बटे छः, एक बटे तीन प्रायिकता होगी। अब देखिए क्यू इज इक्वल टू, जब हम निकालेंगे क्यू इक्वल टू वन माइनस पी होता है, मतलब पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल टू दो बटे तीन आ जाएगा। अब स्मॉल एन छः दिया है, कैपिटल एन 729 दिया है, पी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, क्यू इज इक्वल टू 1/2/3 दिया है। अब इतनी चीज जब पता है तो देखो यार, अब इसके लिए आपको द्विपद प्रमेय आनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 729 आपका रह जाएगा यहाँ पे, देख लो कैपिटल एन फार्मूले में। फिर देखो पी है, पूरा नंबर ऑफ कितना 6 है, 6 में से ये 3 है तो 3, 1/3 आपका हो जाएगा किसका मान, 1/3 का, यहाँ देख लीजिएगा 1/3 किसका मान इन्होंने दे दिया भाई, 1/3 हाँ पी का मान है, तो पी पावर क्यूब हो जाएगा और इसके बाद क्यू पावर 6 में से 3 चल जाएगा। यही बस उसी तरीके से जैसे इसका हमने किया उसी तरीके से सबका कर लेंगे। देखो जितने भाई 1, 2, 3, 4 तो 4 तक कर लेंगे। फिर उसी क्या करेंगे यार, सिंपल सा सरल करते हुए जैसे तैसे द्विपद प्रमेय सॉल्व करो और आ जाओ नीचे। नीचे आओगे बस सॉल्व कर दोगे, जो लास्ट में बचेगा वही रिजल्ट बचेगा भाई, हम यही जानते हैं, ठीक। अब जब इतना कर लिए तो यार इतना तो आना चाहिए, अब इतना नहीं आएगा तो भाई क्या कर रहे हो, ठीक ना। मैथ 3 पढ़ रहे हो, मैथ 1 तो है नहीं कि बिल्कुल ईजी है, एक घंटे में कर ले जाओगे, ठीक। इसको करने में शायद 2 घंटे लगे आसपास, या उस 2 घंटे नहीं उससे भी कम में भी किया जा सकता है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे क्या मैं इसको 1 घंटे में कर पाता हूँ कि नहीं, तो फिर ट्राई करूँगा तो बताऊँगा आपको भी। तो चलो यार मैथ 3 की बात, मतलब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन 5 ही नंबर के आते हैं और 2 ही करना होगा, 3 दिया रहेगा, 10 मिलेंगे। और देखो ये क्वेश्चन आया, हाई ऑर्डर से क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ से देख सकते हो d2y/dx^-5d-+c e^4। और ये पहला टाइप है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें 1 तारीख से टाइम मिलेगा तो हम इस पर भी वीडियो सला देंगे आपके लिए, ठीक। ये हाई ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में कैसे किया जाता है, और देखिए दोस्तों जो रूल्स बनाए गए ना हाई ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर में, वो सिर्फ PI के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। CF सबका सेम निकलता है, PI निकालने में सबको दिक्कत होती है। तो इसको देखो डी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वाई फॉर्म आपका कट जाएगा, तो इधर आपका देखो 0 होकर, मतलब ये इस तरह से निकाल लेना है तो m का मान आ जाएगा। CF इज इक्वल टू होता है C1e^2f, ठीक, यानी इसका 2 पावर 2x, फिर C2e^3, अगर एक और मान रहता तो C3e^4 अगर 4 आता तो 4x होता, इस तरह हो जाएगा। फिर देखो PI निकालने के लिए, PI के निकालने क्या करने, 1/d^2-5d+6 यहाँ से आता, लेकिन यहाँ इन्होंने डायरेक्ट m में चेंज कर दिया, ठीक। तब उसके बाद क्या करते हैं, PI इज इक्वल टू क्या होता है, PI इज इक्वल टू ए वाला जो मान होता है उसको यहाँ पे रखते हैं और इसके जो डी वाला बनता है उसको नीचे रखते हैं, फिर ठीक है। अब देखो जो डी का मान है ना वो ई पर जो 4 है ना, इसी 4 को इस डी के पास लाते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे रखते हैं कुछ मान प्राप्त हुआ था तो ठीक है, अगर 0 प्राप्त हो गया तो एक बार अवकलन कर देंगे, अगर फिर भी मान रखेंगे फिर ऐसे रखेंगे, अगर फिर भी 0 प्राप्त हुआ तो एक बार और अवकलन कर देंगे, दोहरा अवकलन कर देंगे, लेकिन एक बार जरूर आपको मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मान प्राप्त कर लेंगे, देखो हल कर देंगे, तो हल करते हुए आएंगे तो भाई 2 ही प्राप्त होगा, कोई बात नहीं, 2 प्राप्त का e^4x हो गया। तो जैसे ही PI प्राप्त आप निकाल लेंगे तो आप फार्मूला लगा देंगे y=CF+PI, दोनों का योग, यानी इसका मान रख देंगे और इसका मान, दोनों का योग, और आपका यही आंसर हो जाएगा गाइस। यानी कहने का मतलब जितने भी रूल्स इसमें बने हैं 7 प्रकार से, दोनों में रूल है 7-7, यानी 14 रूल हो जाएंगे, लेकिन उसमें 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको हम बताएंगे, ठीक। तो इसमें हम बता दें कि क्या करना होगा कि CF सब रूल जो बनते हैं PI के लिए बनते हैं, CF सबका सेम होता है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे हाई ऑर्डर हो, ठीक। अब चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है फोरियर सीरीज से आपके सामने, ये रहा देखिए आवृत्ति फलन FX के लिए फोरियर सीरीज ज्ञात कीजिए, FX = -π, जब -π x से बड़ा, x से देखिए -π छोटा हो तो x बड़ा हो, और x से बड़ा हमारा 0 इस फॉर्म में हो, ठीक। जब x बराबर 0 तो 0x π तक हो, लिमिट्स दी गई हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, फार्मूला इसका होता है FX = a0/2 समेशन n=1 से इन्फिनिटी an cos nx समेशन n=1 से इन्फिनिटी bn sin s 1 मान लेंगे, और यही मेन फार्मूला है। यानी आपको an, ठीक है, a0, an और bn, यही 3 मान प्राप्त करने हैं। अगर आपने ये 3ों मान प्राप्त कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका हल जाएगा। मैं एक बार और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बात, कि इस क्वेश्चन को अगर आपको आता भी है पेपर में तो आप लास्ट में करेंगे, नहीं तो अगर थोड़ी सी गलती हुई तो पूरा समय लेकर चला जाएगा और पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नंबर कम हो जाएंगे भाई, ठीक। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में छूना है, चाहे आता भी रहे तो क्यों ना, ठीक। एक एक क्वेश्चन और एक बीटा गामा वाला फंक्शन, इन दोनों क्वेश्चन को लास्ट में टच करना है, ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे, ए जीरो, यहाँ पे देखो इन्होंने पाई नहीं लिखा है, शायद मिट गया, कोई बात नहीं। ए जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/π - π से पाई हो जाएगा, FX dx हो जाएगा। FX का मान क्या दिया, यहाँ पे -π दिया है, तो देख सकते हो FX dx, इसको 2 लिमिटों में चेंज कर लेते हैं, अगर 0 से 0 कट जाएगा फिर वही आ जाएगा, तो 2 लिमिटों में चेंज कर लेते हैं, देख सकते हो -π, और यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
तो अब क्या करते हैं यार, बस नियम पूर्वक आपको पता है कि समाकलन करना है, लिमिट रखनी है, उसको सॉल्व कर लो फटाफट से। हालांकि हमने आपको फर्स्ट ईयर में थे आप, जब सेकंड सेमेस्टर हमने समाकलन अच्छे से सिखाया है, ठीक। तो यहाँ पे यार नियम पूर्वक सॉल्व करोगे, लिमिट रखोगे, तो ए जीरो इक्वल टू माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक। अब ए जीरो निकल गया, अब ए एन की बात आती है, ठीक। ए एन निकालने के लिए वन अपॉन पाई हो जाएगा, लिमिट माइनस पाई से जीरो एफ एक्स, एफ एक्स कॉस एन एक्स एक फार्मूला रहता है कॉस एन एक्स, और जीरो से पाई हो जाएगा एफ एक्स कॉस एन एक्स, ये भी फार्मूले में ही होता है, ठीक। इस तरीके से अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखना, अब देखो गाइस यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको सिंपल सा ये जो फार्मूला इसका आप करोगे अवकलन समाकलन, देख लो यहाँ से समाकलन करोगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जब इस तरीके का बन गया सब कुछ रेडी है, तो करना क्या है कि लिमिट रखनी है भाई समाकलन, तो कास एक्स पाई तो बाहर आ जाएगा, कास एन एक्स है तो इसका होता है माइनस साइन, कास का देखो समाकलन में प्लस ही चलता है, ठीक, लेकिन माइनस पहले से तो माइनस वही रहेगा, कास का साइन एन एक्स हो जाएगा, जो एन होता है वो नीचे आ जाता है। इस तरीके से इसमें फर्स्ट सेकंड लगा के कर लेंगे, ठीक, फर्स्ट सेकंड लगा के इस तरह से कर लेंगे, और इसके बाद हम रखेंगे भाई लिमिट और अपना हम रिजल्ट लेंगे। तो जब लिमिट उमिट रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी an किधर गया भाई अपना, तो an इज इक्वल टू देखो इतना बचेगा भाई, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो an के पावर इतनी मिले, लेकिन cos n पाई इज इक्वल टू माइनस वन पावर n होता है, ठीक, माइनस n पावर वन होता है। तो अब यहाँ से भाई आप मान रख लोगे तो सीधा आपको मिलेगा यही चीज़, n जब जीरो है तो n सम फलन, और जब विषम है तो माइनस टू अपान इतना हो जाए। तो इस लिमिट को रख के an आप प्राप्त कर लिए, ठीक। अब जब an प्राप्त हो गया भाई, तो अब क्या करें, अब आपको प्राप्त करना है bn। तो bn को प्राप्त करने के लिए फार्मूला 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एस डी एस, दो लिमिट में चेंज कर देंगे इस तरह से, साइन वाले में दोनों चेंज होगा। तो इस तरीके से करके बस कुछ नहीं करना है, सीधे से इसका समाकलन करने है। देख लो भाई इन्होंने कर रखा है, तो ये समाकलन होगा, और इन्होंने लिमिट भी रख दी यहाँ पे आके, और आपको याद रहे साइन एन पाई, ठीक है, साइन एन पाई का मान जीरो होता है, और कॉस एन पाई का मान, कॉस एन पाई का मान शायद इसके अकॉर्डिंग होता है, अगर यहाँ पे टू है तो यहाँ पॉजिटिव आता है, अगर यहाँ पे कॉस थ्री है तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों फार्मूले का यूज़ करेंगे वहाँ पे, फिर इसको बस सॉल्व करते हुए भाई इन्होंने आ गए लड़ते फिरते, तो यहाँ पे एन बराबर सम जब है तो इतना आ गया, बी एन जब सम भी सम है तो इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, जब ए एन बी एन और ए जीरो ए एन बी एन प्राप्त हो गए, तो तीनों को जोड़ देंगे भाई नियम पूर्वक, देख सकते हो इन्होंने जोड़ रखा, जोड़ के क्या कुछ करना नहीं, बस वहीं रख दो प्लस चिन्ह लगा दो, उत्तर हो गया भाई, ठीक। और ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इस कारण से इसको सबसे पीछे करते हैं। अब वैल्यू आ रही, अगला क्वेश्चन आ रहा है आइगन, आप भी उसे आइगन वैल्यू निकालने का, तो आप देख सकते हो आइगन वैल्यू के लिए ए माइनस लैम्डा आई पहले कर देते हैं बिना किसी से पूछे, और सारी फॉर्म में इसको रख लेते हैं, यानी लैम्डा घटा के जीरो। इसको क्या करते हैं, नियम पूर्वक हम हल कर लेते हैं, जैसे सारी हल की जाती है। अब देखो जैसे सारी हल करते हुए पहुंचोगे भाई लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं आइगन वैल्यू। और यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, जो भाई किए होंगे वो तो भाग्यशाली होंगे, क्योंकि देख सकते हो दो लाइन, ये मान लो छोटी से तीन लाइन चार लाइन पांच ही लाइन में आपका उत्तर आ गया, तो छोटी छोटी है तो इसको हम काउंट नहीं, हालांकि सब एक ही लाइन मिला के मान सकते हो, यानी चार ही पांच लाइन में तो सब साल्व हो गया, पांच नंबर भाई बिल्कुल आसान से मिल गए, ठीक ना। लेकिन हाँ सब लोग नहीं कर पाएंगे, क्यों कर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें हैं, देख सकते हो थ्री पावर में चल रही थी, तो यहाँ कॉमन वगैरह करके काम किए गए हैं, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं लैप्लांस वाला क्वेश्चन आ गया, और दोस्तों ये वाला भी जो क्वेश्चन पाया होगा बहुत भाग्यशाली रहा होगा, क्योंकि ये देखो एकदम धांसू वाला क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है, कह रहा है कि जो टी है ना, टी कॉस ए टी और टी साइन ए टी का लैप्लांस रूपांतरण ज्ञात करो, ठीक, लैप्लांस रूपांतरण ज्ञात करो। तो देखिए आपको लैप्लांस रूपांतरण ज्ञात करना है, तो पहले से कॉस ए टी का ज्ञात कर लो, पी हम लोग यस लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पी लो यस लो सब कुछ लो, तो यस अपान पी मतलब यस अपान यस स्क्वायर प्लस इस पर यहाँ पी दिया तो पी मान लो। तब देखो टी जब लगा दोगे, टी लगा दोगे गाइस, फार्मूला ये बनता है माइनस वन के पावर एन, ठीक, यानी ये जो टी के पावर जो रहेगा वो यहाँ पे पावर बन जाता है, फिर डी अपन डी टी यानी अवकलन किया जाता है इसी का, तो यहाँ पे रख दो भाई, इसके अकॉर्डिंग माइनस आ रहा है तो माइनस लगा लो, प्लस आता है तो प्लस रखते हैं, और इसको क्या कर दो अवकलन, यानी नीचे हर हो जाएगा, पहले तो देखो हर लिखोगे फिर अंश का अवकलन, माइनस दोगे अंश लिखोगे फिर हर का अवकलन करोगे, देख लो यही किया गया, फिर नीचे का हर जो है उसका होल स्क्वायर कर दोगे, तो भाई जब इतना कर दिया तो ये रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरीके से देखो यही चीज़ आ गई, यहाँ पर भी माइनस को हमने खत्म कर दिया इधर अंदर गुणा करके, ठीक उसी तरीके से दोस्तों साइन ए टी का कर लेंगे, इसका फार्मूला होता है ए अपान में यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पी में दिया तो पी ले लो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीके से इसका भी कर लेंगे माइनस वन पावर वन डी पी अपन डी, और इसका कर लेंगे भाई, और देखो इसमें ए वाली चीज़ जो ए है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी एक ही बचेगा, देख सकते हो यहाँ पे एक ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे नियम पूर्वक खाली भाई अवकलन कर लेंगे, अवकलन एक बटे यक्स का अवकलन जैसे करते थे लागे यक्स होता था, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा है तो उसका कर लेंगे, तो देख लो माइनस वन अपन ए होल स्क्वायर हो जाता है पता आपको है, फिर इसका जब पूना करोगे टू पी आ जाएगा, जो लास्ट में बचा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन आता है चौथा का बी, जो दूसरा क्वेश्चन है x इस पर डी टू आई माइनस फोर डी वाई, और ये देखिए आपका किस क्वेश्चन से आ रहा है, हाई ऑर्डर से क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको इस वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर से आप कॉपी में नोट करेंगे। ये लाग वाला सबसे लास्ट टाइप होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, x इजिकल टू ई पावर जेड मानना पड़ता है, और जब इस ई को हटाएंगे तो इधर बनता है लाग x और जेड। ठीक, तो यहाँ पे x dy वाई बाई डी एक्स कर लोगे तो dy हो जाता है, और यहाँ इस फॉर्म में करके कन्वर्ट कर लेना इसे। फिर करना क्या है कि इस फॉर्म में जो दिया गया इसको d में लिख दो, इस तरह से y पावर जेड आ जाएगा, और यहाँ से y इसको जीरो करके भाई m का मान निकाल लोगे। तो फिर m का मान जैसे पता कर सी एफ आपको जानते हैं, सी वन ई पावर माइनस माइनस ए वाला x, ठीक, टू एक्स एम वन एक्स होता है, फिर सी टू ई पावर एम टू एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद पी आई निकालते हैं, पी आई कैसे, वन अपॉन ये जो नीचे वाला मान होता है इसके मदद से निकाल लेते हैं, ई पावर जेड। अब देखो ई पावर जेड का मान क्या है, ऊपर वन पावर है, तो वन रख के यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो एक बटे टू ई पावर जेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब करना कुछ नहीं यार दोस्त, अब सी एफ और पी आई को जोड़ दो यार, वही आपके रिजल्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, अनपढ़ भी कर लेंगे इसको। ठीक, अगर हम कहें भाई देखो ये चीज़ है, मान लो हम आपको बता दें, हम कह दें ये चीज़ आपने आंसर निकाला, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर आपकी ये पेन आ गई, हम कहें इसको भाई बस जोड़ना है तो ऐसे ला के जोड़ दो ना, उत्तर हो गया भैया। अब चलो अगला दिखाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो किधर से आ रहा है भाई, दृष्टि अवकलन डायरेक्शनल डेरिवेटिव से आ रहा है, जो कि आपका ये चैप्टर है आपका कलर डाइवर्जन वाले से ही आ रहा है। ठीक, तो बिंदु इतना पर जेड अक्ष के साथ इतने का दृष्टिकोण ज्ञात करना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो करना क्या है कि ग्रेड फाइव, देखो फाइव इज इक्वल टू इतना दिया, जेड अक्ष के साथ अगर हम देखें यूनिटी वेक्टर को लेंगे तो ओनली के कैप मेरे को मिलेगा। ठीक, यूनिट वेक्टर जेड अक्ष के साथ भाई जेड ही का मान मिलेगा ना, एक्स वाई तो जीरो हो जाएंगे। तो देखो ग्रेड फाइव जब निकालोगे तो डेल ऑपरेटर होगा फाइव आपका जो दिया है, ठीक ए वाला। तो करना क्या है कि इसका डेल ऑपरेटर मान रख लो और इस फाइव का मान रख लो, सबके पास लाओ भाई और यहाँ पे हल कर दो। हल करने का मतलब क्या है, इसका अवकलन बस किया जाएगा, जिसके सापेक्ष यक्स है तो यक्स, सापेक्ष वाई है तो वाई, जेड का जेड, तो उसके जो बचेगा उसको रखे रहो। फिर कुछ नहीं करना है दोस्त, जो बिंदु दिया है ना इसी बिंदु को लाओ, इस यक्स वाई जेड के मान पर रख दो, जो लास्ट में बचेगा वही चीज़ आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या करा, अब देखो बिंदु इतने पर आपका ग्रेड फाइव आ गया, ठीक, बिंदु इतने पर ग्रेड फाइव आ गया, लेकिन अभी उत्तर नहीं हुआ, अभी तो आप ग्रेड फाइव निकाले हो ना, लेकिन दृष्ट अवकलज क्या होता है, बिंदु इतने पर जेड के साथ ग्रेड फाइव इंटू ए कैप होता है। ठीक, ए कैप होता है, ए कैप के लिए हमने फार्मूला बताया था गाइस, आपका ए कैप देखिए, ए कैप का मान इधर से आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो ए कैप का मान आ जाएगा, तो ए कैप का मान गाइस आपका यही आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करें, इन दोनों का मान रख लोगे इनटू के कैप। अब देखो के कैप और डॉट प्रोडक्ट भाई आई और जे के साथ जाए तो वो पूरा जीरो करता है, इसका ध्यान रहे, क्रॉस होता है तो वहाँ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जैसे आई क्रॉस जे हो गया तो उत्तर के कैप आता है, लेकिन आई क्रॉस आई डॉट जे हो गया तो उसका मान जीरो हो जाता है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और ये जो 72 आपका बचा है ना, ये के इंटू के वन हो जाएंगे, यही 72 आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखा ना, बिल्कुल आसान है यार, कुछ करना नहीं था, बिल्कुल फ्री का नंबर समझ लो, सिर्फ यही फार्मूला याद कर लो, इसके लिए हम बताएंगे, इसकी वीडियोस लाएंगे, इसके बाद साथ इसी का नंबर भी है। ठीक, चलो दिखाते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांचवा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दो पांच नंबर मिलेंगे भाई, दो ही करने हैं, 10 है। तो करना भाई देख लो, ये ग्रीन गास और एक स्टोक की थ्योरम होती है, उधर से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो करना क्या है कि देखो यार, दिया गया या फिजिकल इतना और कुछ लिमिट्स वगैरह दी गई हैं, तो या फिजिकल लिख लो, और डाइवर्जन या फिजिकल फार्मूला होता है, क्या करना है, डाइवर्जन एफ का यहाँ पे मान रख लो भाई, इतना आ जाए आपका डाइवर्जन एफ आ गया। अब देखिए जैसे ही डाइवर्जन एफ गाइस आपका आ जाता है, तो गास डाइवर्जन प्रमेय से आप लगाएंगे डबल इंटीग्रेशन वेक्टर एफ एन का डे, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में चेंज करता है वॉल्यूम में और डेल इंटू एफ डी एक्स, तो क्या करना है, इसकी मान आपको रख लेने, जो मान आया यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो एक्स वाई जेड सबकी लिमिट दिया है, तो ए लिमिट सबकी सेम है, तो सबकी लिमिट भाई रख दिए, फिर क्या किए, डी एक्स डी वाई डी जेड, यहाँ पे देखना आपका भाई क्या है, डी जेड है। तो देखो जब इतनी चीज़ें आपको मिल जाती है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो डी जेड के सापेक्ष अवकलन कर लो, फिर इसके बाद वाई के सापेक्ष करो, फिर एक्स के सापेक्ष करो, उल्टा कर लेना। ठीक, फिर लास्ट में पहले डी जेड, फिर डी वाई, फिर डी वाई, ये अपना इधर बाहर रखे रहना, एक एक के सापेक्ष करते जाना, लास्ट में जो बचेगा वही आपका रिजल्ट होगा, तो 3/2 बचा, तो यही आपका गाइस रिजल्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करा इस क्वेश्चन को हल कर दो, और ये शायद क्वेश्चन आपका है फर्स्ट ऑर्डर में ही आपका क्वेश्चन है, बस कोई टाइप नहीं है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर में ही क्वेश्चन, लेकिन कोई टाइप से नहीं है। तो करना क्या होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चाहे कुछ कर डालो, हमसे उससे नहीं मतलब, आपको एक ही काम करना होता है कि यक्स को एक तरफ करना, वाई को एक तरफ, चाहे कुछ मान के करो चाहे जैसे करो, लेकिन यक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ करना होता है।
इतना करने के बाद आपको समाकलन करने पड़ते हैं। देखिए dy वाई बाई डी एक्स को एक तरफ किया और इधर करते हुए भाई थोड़ा सरल किया इन्होंने, फिर y इज इक्वल टू कुछ मान लिया इन्होंने, फिर क्या किया देखो dy वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दिया। अब यहाँ पे जब चले भी माना है तो कोई दिक्कत नहीं, यक्स एक तरफ हो गया, भी एक तरफ हो गया, बस यही तो करना था। जब ये कर लिए तो समाकलन दोनों पक्षों करोगे, जो लास्ट में बचा वही रिजल्ट होता है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही करने हैं कि किसी भी तरीके से यक्स वाई को एक तरफ कर लेना, फिर उसके बाद दोनों का समाकलन कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। फिर से एक फोर ईयर सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, सोच लो दो बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों फोर ईयर सीरीज से, इस बार 2012 के मॉडल पेपर में, लेकिन इस हर बार थोड़ी ऐसा होता है, कभी कभी होता है, लेकिन अब सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आवृत्ति फलन एफ एक्स के लिए फोर ईयर सीरीज ज्ञात की, जहाँ एफ इज इक्वल माइनस पाई एक्स और ये लिमिट्स दी हैं, तो आपको क्या करने हैं ए जीरो ए एन बी एन ज्ञात करने हैं। तो भाई ये क्वेश्चन नोट कर लो, हम दिखा देते हैं, लेकिन साल आप ही को करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से देख लो भाई, इधर से आपको क्या करने हैं, ए जीरो आपको यहाँ से निकाल दिया गया, देख सकते हो ए जीरो आपका यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले बताया, उसी तरीके से ए एन निकाल लेंगे भाई, देख सकते हो ए एन हमने निकाल लिया और यहाँ लास्ट में ये चीज़ बचती है, तो कॉस एन पाई के इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, अब सम विषम के लिए हम बता देंगे, जब एन देखिए हमारा सम होगा तो जीरो, अब विषम होगा तो माइनस टू अपॉन पाई एन स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों हम बी एन को निकाल लेते हैं, जो कि देख सकते हो ये रहे आपके बी एन, और नियम पूर्वक जैसे तैसे भाई निकाल लेना, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया ऐसे ऐसे निकालते हैं। तो ये जीरो अवकलन समाकलन करने हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, और लिमिट्स रखनी आनी चाहिए। तो आप सम के लिए विषम के लिए कर लो, और जैसे ही तीनों प्राप्त होते हैं आप क्या कहोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू मतलब सबका योग या सनी सबका योग कर दोगे, तो देख सकते हो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से रहे आपके ये मॉडल पेपर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के 2012 का मॉडल पेपर। ठीक, तो अगली वीडियोस जब आएगी तो यार हम उसमें 2013 का मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको और कुछ जानकारी देंगे कि कैसे कैसे सब कुछ किया जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, नए हो अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं। अब भी कोई डाउट्स या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, अब मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में।